मित्रों सबसे पहले यहाँ पर ओए होए दोस्तों, लगता है कि अंकल जी को दिल का दौरा पड़ चुका है और अंकल जी अपने होश गंवा रहे हैं। अबे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, अंकल जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो अंकल जी ऐसे ही लुढ़क लेंगे, यानी कि अंकल जी का ऊपर का चेक कट जाएगा। क्या कलयुग है दोस्तों, कोई भी इस अंकल की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहा, सिर्फ एक आंटी है जो अंकल को सहारा दे रही है। बोलते हैं कि क्या हुआ अंकल जी, नहीं तो यार बहुत ही कलयुग है, कोई भी यार हेल्प कर कर खुश नहीं है आज की डेट में। और यहाँ पर देखो किन्नर आ जाता है इस बंदे के पास, बोलता है कि पैसे दो, बंदा बोलता है कि मेरे पास नहीं है, चलो यहाँ से, लेकिन यार वो नहीं मान रही, बोलती है कि दे दे मुन्ना दे, ऐसे नहीं जाऊंगी यार, जबरदस्ती चल रही है यहाँ पर। यारो आपने देखा होगा कि ट्रेनों में अक्सर ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर उसने पैसे दे दिए ठीक है, अगर नहीं देने तो नहीं देने, किसी भी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये है दूल्हे की साली, और दूल्हे के लिए मिठाई लेकर जाने वाली है, और मिठाई में देखो यार कैसे नमक वगैरह मिलाया जा रहा है और ऊपर से नींबू भी निचोड़ा जा रहा है। अबे साली, मेरा मतलब कि दूल्हे की साली, अगर तुम ऐसे कड़वी मिठाई लेकर दूल्हे के पास जाओगी तो दूल्हा रिबन काटने के बाद कोई भी पैसा नहीं देगा। इनको यार पैसे भी चाहिए, दूल्हे का मुंह भी कड़वा करना है, मतलब कि दूल्हे की ऐसी की तैसी भी करनी है और उससे ही पैसे लेने हैं। बहुत ही कलयुग है दोस्तों, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। अब यहाँ पर देखो इस मुन्ने की तरफ, मुन्ने को बहुत ही तकलीफ हो रही है, मुन्ना बहुत ही दर्द में है। मित्र वो बात नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, यार इसका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, कोई इसका मुन्नी छोड़कर नहीं चली गई, बल्कि इसका नुनू इसकी ही पैंट की चेन में फंस चुका है। इसके बाद मुन्ने की सिचुएशन देखो, बोलता है कि यार मेरा नुनू कट जाएगा, कोई बचा लो मेरे छोटे से नुनू को। मित्रों पता नहीं इस मुन्ने का मतलब कि अब क्या होगा। मेरे यारो डेली शाम 4 बजे नई वीडियो पाने के लिए फॉलो कर लो सब्सक्राइब बटन को, उखाड़ फेंको, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर देखो यार ये कुछ दुल्हने हैं और बहुत ही अनाप शनाप बका जा रहा है, सुनो यार क्या क्या बोल रही है। तो मुन्नियों मत करो ना, कौन तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है कि मुझसे शादी करो, शादी करो, शादी भी करनी है और ऐसी ऐसी बातें भी करनी है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, शादी के बाद दुल्हन को आराम से बिठा रखा है और दूल्हा मार रहा है झाड़ू, जैसे इसने देखा कि वीडियो बना रहा है, यार दूल्हा आराम से झाड़ू छोड़कर बैठ गया झाड़ू को छुपा दिया इसने, बोलता कि ना ना कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो वैसे ही थोड़ा सा लगा हुआ था। अरे दूल्हे यार तू टेंशन मत ले, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, मैंने और मेरे व्यूअर्स ने भी कुछ नहीं देखा, तू तो वैसे ही वहां पर घूम रहा था, तो झाड़ू थोड़ी मार रहा था, ये तो वैसे ही कोई छड़ी वगैरह पकड़ रखी थी। बाकी दोस्तों आप हंसते रहा करो, फॉलो कर लो यार सब्सक्राइब बटन को, उखाड़ फेंको यार, डेली शाम 4 बजे आपको नई वीडियो मिलेगी। यार मैं बोल रहा हूँ कर दो यार।